एक सार्थक प्रयास से आप लोग परेशान ना हो, तो मुझे उम्मीद है मैं इसको जस्टिफाई कर दूं। पहला है वोट की कीमत। बहुजन साइकिल यात्रा पे जब आप जाएंगे तो आपको आम आदमी को जो गांव में रहता है, जिसकी सामाजिक राजनीतिक चेतना बहुत ज्यादा नहीं है, जिसको लगातार बीजेपी और तमाम दल के लोग गुमराह करते हैं, तो उसको आपको वोट की कीमत बतानी है कि वोट की क्या वैल्यू होती है। आप वोट देते हैं तो ये वोट कितने लंबे समय तक के लिए रहता है, और इस वोट से ये वोट एक दिन का इससे रिश्ता है, ये आगे 5 साल जो होने वाला है, जो अगले 5 साल आप लोग किस तरह का जीवन जिएंगे, ये वोट से जो है वोट पर निर्भर रहता है। दीपक अगर तुम इसे देख रहे हो तो इधर उधर देखने के बजाय इसको इधर मेरी तरफ देख कर सेट कर दो, यही तो फ्रेम है। ये तो ठीक, एक पढ़ा लिखा आदमी इतना कर सकता है, तो इधर आ जाओ। तो वोट की कीमत जो है, जिसको आदमी चंद पैसों में और थोड़े से लालच पे लोगों को दे देता है, वोट कितना कीमती है, और इसका अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें कैसे दिलाया। उन्होंने इसके दिलाने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए। जो विरोधी विचारधारा के लोग थे, उन्होंने कहा भाई वोट वो देगा जो लगान देता हो, फिर उन्होंने कहा कि वोट वो देगा जो पढ़ा लिखा हो, फिर उन्होंने तीसरी बात है कि वोट वो देगा जो जो किसी पद पे हो। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार हमें बड़ी मुश्किल से दिलाया, तो हमें वोट की कीमत को समझना चाहिए। दूसरा, वोट की सुरक्षा। इस पे बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़े तरह से अपनी बात रखी, लेकिन जिनको मैं आदर्श नेता मानता हूं, उन्होंने कहा कि वोट की सुरक्षा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी है। जैसे बहन बेटी की रक्षा करते हैं, ऐसे वोट की सुरक्षा करनी है। तो उन्होंने कहा जैसे बहन बेटी को कोई किसी को ऐसे ही धक्का नहीं देता, ऐसे ही किसी को जो है बिना जाने अयोग्य व्यक्ति को नहीं देता, तो वोट की सुरक्षा, वोट जो है एक जिम्मेदार आदमी को सौंपी जाती है। जैसे बहन बेटी जो है हम शादी ब्याह करके सौंपते हैं, इसी तरह से वोट भी एक जिम्मेदार आदमी को सौंपी जाती है। वोट किसी को अयोग्य व्यक्ति को नहीं दी जाती, और वोट किसी को किसी चंद पैसों के लालच में, दारू के लालच में, शराब के लालच में, या किसी उपहार के लालच में, या अभाव प्रभाव में नहीं दी जाती। तो वोट की सुरक्षा। तीसरा, वोट से निर्माण। अगर आप वोट देते हो उससे क्या निर्माण होता, तो वोट से निर्माण होता है सरकार का। और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, अगर आप संविधान के आर्टिकलों को लागू कराना चाहते हैं तो आपको सत्ता में आना पड़ेगा, क्योंकि कानून बनाने की ताकत वो विधायिका में या संसद में, तो आपको सदन में जाना पड़ेगा। तो वोट से निर्माण होता है आपकी शक्ति का। अगर आप सही व्यक्ति को वोट देते हैं तो उससे आपकी ताकत बनती है, और वो ताकत जो है आपके आने वाले दिनों में आपको के भविष्य को सुधारने में बहुत काम आ सकती है। तो इसलिए हाँ, मुझे पंखा बंद करना पड़ेगा क्योंकि मेरी लाइट हिल रही है, इसकी वजह से। गर्मी तो मैं सहन कर सकता हूँ, लेकिन मेरी मेहनत पे अगर अच्छा कार्य ना हो तो ये मुझे एक्सेप्ट नहीं है। मैंने इसलिए पंखा बंद कर दिया, उसके बाद डिस्टर्ब करी। तो वोट का निर्माण, और अंतिम है वोट का परिणाम। अगर आपने सही व्यक्ति को वोट दी तो क्या होगा, आपने गलत व्यक्ति को वोट दी तो क्या होगा। सही व्यक्ति को वोट दी तो यानी कि आपके अगले आने वाले समय में 5 साल के लिए आपके अधिकार सुरक्षा होगी, नई नीतियां बनेंगी, आपको रोजगार मिलेगा, एजुकेशन मिलेगी, आपकी मदद होगी, आप पे जुर्म जाति होगी तो वहां न्याय मिलेगा, और कोशिश तो होगी ना ही हो। लेकिन अगर आपने गलत व्यक्ति को वोट दे दी तो उसका परिणाम ये होगा कि आप अगले 5 साल आप और पीछे चले जाएंगे, आपको रोजगार नहीं मिलेगा, आपको एजुकेशन नहीं मिलेगी, आपको न्याय नहीं मिलेगा, आपको सुविधाएं नहीं मिलेगी जो सरकार देती है। तो इसलिए ये चारों चीज जो बहुत महत्वपूर्ण थी।